टोटल फ्रीक्वेंसी हमें टोटल दे रखा है फ्रीक्वेंसी का दट मीनस सेवेंटी तो हमें क्या क्या दे रखा है क्लास दे रखी है। और फ्रीक्वेंसी दे रखिए राइट right? आप क्लास कहां से कहां तक दे रखिए जीरो टू फाइव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है ट्वेल्व फाइव टू टेन की फ्रीक्वेंसी दे रखिए ए टेन टू फिफ्टीन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है ट्वेल्व फिफ्टीन से ट्वेंटी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है फिफ्टीन ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है बी ट्वेंटी फाइव से थर्टी तक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है सिक्स और थर्टी से थर्टी फाइव की फ्रीक्वेंसी अगेन सिक्स और थर्टी फाइव से फोर्टी तक की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है फोर और हमें एक और चीज़ दे रखी थी इसका टोटल जिसे हम समेशन एन कहते थे वो टोटल दे रखा है हमें सेवेंटी राइट right? इन सब का लेकिन एक्चुअल टोटल कुछ और आएगा राइट right? तो हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे लेकिन उससे पहले हमारा मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला होता था एल प्लस एच इन टू एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ राइट right? या आ गया अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली एज इट इज ट्वेल्व फिर ट्वेल्व प्लस ए फिर ट्वेल्व प्लस ए प्लस ट्वेल्व कितना हुआ ट्वेंटी फोर प्लस ए फिर ट्वेंटी फोर प्लस ए प्लस फिफ्टीन कितना हुआ थर्टी नाइन प्लस ए देन थर्टी नाइन प्लस ए प्लस बी कितना हुआ थर्टी नाइन प्लस ए प्लस बी ही हुआ नाउ थर्टी नाइन प्लस ए प्लस बी प्लस सिक्स कितना हुआ दैट इज फोर्टी फाइव प्लस ए प्लस बी अब फोर्टी फाइव प्लस ए प्लस बी प्लस सिक्स कितना हुआ फिफ्टी वन प्लस ए प्लस बी नाउ फिफ्टी वन प्लस ए प्लस बी प्लस फोर कितना हुआ फिफ्टी फाइव प्लस ए प्लस बी हो गया राइट right? अब हमें एक चीज और पता है इसका टोटल सेवेंटी है तो हम देखिए फिफ्टी फाइव प्लस ए प्लस बी का टोटल सेवेंटी है तो ए प्लस बी का कितना हो गया ये उधर आ गया तो सेवेंटी माइनस फिफ्टी फाइव ये कितना आ गया हमारा ए प्लस बी की वैल्यू आ गई फिफ्टीन ये हमने मानी फर्स्ट इक्वेशन अब सेकेंड चीज देखिए सिक्सटीन है मीडियम सिक्सटीन कहाँ लाए करेगा इसमें लाए करेगा तो इसके अकॉर्डिंग एल हमारा हो गया फिफ्टीन एच हो गया फाइव राइट right? और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इससे ऊपर वाली दैट इज 24 फोर प्लस ए और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 15 फ्रीक्वेंसी हो गई 15 अब चलिए मीडियन है, देखते हैं मीडियन हमारा दे रखा है सिक्सटीन एल हो गया फिफ्टीन प्लस एच हो गया टू हमें पता है सेवेंटी था सेवेंटी का एन बाय टू देखें तो क्या आएगा एन बाय टू दैट इज सेवेंटी डिवाइडेड बाय टू थर्टी फाइव ले लेते हैं तो थर्टी फाइव माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी ट्वेंटी फोर प्लस ए इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे और ये हम मिडिल ब्रैकेट में ले लेंगे राइट right? और यहां पे हमने बना दिया बिगर ब्रैकेट अपॉन एफ एफ क्या है हमारा दैट इज फिफ्टीन राइट अब इसको इधर ले गए तो ये आया सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू फाइव एन ये फिफ्टीन इधर गया अब ये आगे की लिख रही हूं फाइव एन थर्टी फाइव ब्रैकेट ओपन कर लिया ये वाला माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ए अपॉन फिफ्टीन तो ये कितना कितना बचा ट्वेंटी थर्टी फाइव में से ट्वेंटी फोर गया तो इलेवन माइनस ए अपॉन थ्री ये थ्री इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो थ्री इंटू वन इक्वल्स टू इलेवन माइनस ए तो थ्री इक्वल्स टू इलेवन माइनस ए अब ए इधर आ गया और थ्री इधर चला गया तो एक्वल्स टू ए पॉजिटिव हो गया थ्री माइनस का हो गया तो ए कितना आ गया इलेवन में से थ्री गया दैट इज एट ए आ गया एट अब हमें पता है ए प्लस बी अब ये आ गई हमने इसमें रख दी ए प्लस बी हमें पता था फिफ्टीन है राइट right? ए की वैल्यू एट आई प्लस बी इक्वल्स टू फिफ्टीन तो बी कितना आ गया हमारा फिफ्टीन माइनस एट दैट इज बी इक्वल्स टू सेवन आ गया दिस इज द आंसर